संजय सिंह चुने गए भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं संजय सिंह। अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले संजय सिंह, कैंप आयोजित होंगे, जिन्हें कुश्ती करनी है वो कुश्ती करें, जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करें। कुश्ती संघ चुनाव के बाद बोले ब्रजभूषण सिंह, ये मेरी नहीं पहलवानों की जीत, कहा दबदबा भगवान ने दे रखा है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा सिर्फ 3 पहलवान मेरे खिलाफ, देश के 99% पहलवान मेरे साथ। कुश्ती संघ के चुनाव के बाद ब्रजभूषण सिंह के बेटे ने लहराया पोस्टर। एक्सपोस्ट में दिखाए पोस्टर, लिखा दबदबा है दबदबा रहेगा। ब्रजभूषण सिंह के करीबी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहलवान हुए निराश। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, खेल मंत्री ने आश्वासन दिया था WFI में ब्रजभूषण का करीबी शामिल नहीं होगा। बजरंग पुनिया ने कहा बेटियों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को भी लड़नी पड़ेगी। संसद से सस्पेंशन के विरोध में निलंबित सांसदों का मार्च। पुराने संसद भवन से विजय चौक तक निकाला मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले PM नहीं चाहते सदन चले, सुरक्षा ब्रीच पर सदन में जवाब दे PM, ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ आंदोलन। 146 सांसदों के निलंबन पर बोले शरद पवार, देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शशि थरूर का आरोप, जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रही सरकार, संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान नहीं। दिल्ली में जंतर मंतर पर बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट, उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज बोले विपक्ष के लोकतंत्र का मजाक बनाया, जाट समुदाय और किसानों का अपमान किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले उपराष्ट्रपति के अपमान का खामियाजा राहुल और इंडिया लायंस को भुगतना होगा। दिल्ली बीजेपी नेता रामवीर सिंह विदुड़ी की मांग, राहुल गांधी माफी मांगे, कल्याण बनर्जी को TMC से निकाला जाए। मिमिक्री कांड पर पटना में भी बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट, सम्राट चौधरी ने इंडिया अलायंस को किसान विरोधी बताया। हरियाणा के झज्जर में खाप पंचायतों का विरोध प्रदर्शन, राहुल और कल्याण बनर्जी के माफी नहीं मांगने तक प्रोटेस्ट का ऐलान। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। संसद की सुरक्षा के लिए तैनात होगी CISF, गृह मंत्रालय का जांच कमेटी की सिफारिश के बाद फैसला। लोकसभा से पास हुआ चुनाव आयुक्तों से जुड़ा विधेयक, राज्यसभा से 12 दिसंबर को ही हो चुका था पारित। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, इस सत्र में पास हुए 18 विधेयक। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता किरण सिंह देव को मिली नई जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सोनिया राहुल समेत कई बड़े नेता शामिल। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की टिप्पणी, इंडिया अलायंस में अभी और दिखेगा विरोधाभास। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए जारी की गाइडलाइन, बीमारी या दिव्यांगता पर गलत बयान न देने का भी दिशा निर्देश। 30 दिसंबर को PM मोदी करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन, 5 जनवरी को होगा ऑपरेशनल। कल हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और DMK पर निशाना साधा, कानून 370 पर इनकी टिप्पणी देश की एकता के लिए खतरनाक है। ज्ञानवापी परिसर के SI सर्वे को सार्वजनिक करने की मांग का मामला, जिला कोर्ट ने 3 जनवरी को यहां पर सुनवाई होगी। आप सांसद राघव चड्ढा का तंज, CM केजरीवाल को समन, ED ने नहीं बीजेपी ने भेजा, शराब घोटाले का केस फेक है। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, जैकलीन ने की है केस को रद्द करने की मांग। माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनेंगे फ्लैट्स, डालीबाग की जमीन पर लखनऊ प्राधिकरण गरीबों के लिए बनाएगा घर। देहरादून में UCC पर बोले CM धामी, कमेटी अगले महीने सौंपेगी रिपोर्ट, उसके बाद लागू करने को लेकर होगा फैसला। बिहार के बोधगया में धर्मगुरु दलाई लामा से मिले CM नीतीश, महाबोधि मंदिर में पूजा भी की। पंजाब के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ETT टेट पास शिक्षकों का प्रदर्शन, जल्द नौकरी देने की मांग की। केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कर्नाटक सरकार अलर्ट, CM सिद्धरमैया ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के साथ की बैठक। बैठक के बाद CM सिद्धरमैया की अपील, लोग घबराएं नहीं, सावधानियों का करें पालन। जम्मू में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, अस्पतालों में किए गए पुख्ता इंतजाम। मुंबई में नहीं है कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का केस, BMC की अपील, लोग घबराएं नहीं। पंजाब के पटियाला में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, ब्लाइट रोग से टमाटर की फसल खराब। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी, एरियल तस्वीरों में चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। DMK सांसद कनिमोझी ने थूथुकुड़ी इलाके का किया दौरा, बचाव और राहत कार्यों का लिया जायजा। थूथुकुड़ी से एयरलिफ्ट की गई महिला ने बच्चे को दिया जन्म, एयरफोर्स की टीम ने पहुंचाया था मदुरै। भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजी राहत सामग्री, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद विशेष चार्टर से भेजी गई मदद। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ बोले पड़ोसी चांद पर पहुंच गए, हम खड़े भी नहीं हुए, हालात के लिए खुद जिम्मेदार। अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने पर बोली तीरंदाज अदिति गोपीचंद, मेहनत का फल मिला है। बाबर आजम के खिलाफ साजिश का ऑडियो लीक, ऑडियो में PCB चीफ की आवाज का दावा, कप्तानी छोड़ने को किया गया मजबूर। कोलकाता के बासु श्री सिनेमा हॉल में ऑडियंस का जश्न, शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज होने पर जाहिर की खुशी।